हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और अभी हम हैं साउथ गोवा में, जा रहे हैं सलोलम डैम, और आज हमें आकांक्षा लेके जाएगी, इसलिए मेरे दिल की धड़कनें थोड़ी तेज है और हम सेफली पहुंच जाएं, यही दुआ करते हैं। और आप भी दुआ करिए ताकि हम डैम को घूम सके। बहुत ही अनोखा फिनोमेना है वहां का, वो हम पहुंच के दिखाएंगे। मस्त जगह लेके जा रहे हैं, बता रहा हूँ, वीडियो पूरी देखना। और हाँ, हम लोग रुके हैं सोल वेकेशन में, उसके भी वीडियो डाल चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी तो वो भी देखिए। एंड ऑल द बेस्ट आकांक्षा, वेरी गुड, गुड गोइंग। सो गूगल भैया ने बताया 35 किलोमीटर है कोलवा बीच से, 9 किलोमीटर ट्रेवल कर चुके हैं और आकांक्षा ने बहुत ही अच्छी अभी तक गाड़ी चलाई है। आई एम एंजॉयिंग द ड्राइव, जो बहुत मस्त चला रही है। बस डर इसलिए लगता है, वो लेफ्ट में थोड़ा ज्यादा चली जाती, तो ऐसा कभी कभी फील सा होता है कि पलट ना जाए उधर। बट टचवुड सब बढ़िया है, आराम से आराम से। अगर यहाँ पे मैं होता ना, गड्ढे भी क्यों उछाला, गड्ढे भी ठीक से नहीं देखते हो ये वो। बट काफी क्राउडेड था, तो मैं बहुत ज्यादा धीरे नहीं कर पाई। हाँ, आकांक्षा के लिए अपने लिए रीजन होता है, जब हम मतलब मैं चलाता हूँ तब रीजन ये इसको नहीं दिखता है, तब तो बोलती चारों तरफ क्यों नहीं देखा, क्यों ऐसा होता है ना। तो बैक टू द टॉपिक, 9 किलोमीटर अभी ड्राइव हो चुका है, अभी तक की रोड ठीक थी, लेट्स सी आगे कैसा रहता है। आई होप कि रोड ऐसा ही हो, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो यार, फिर मजा नहीं आता है यार जाने में, गड्ढे वड्ढे बन। हाँ, इसको तो डर हमें क्या लगता है। सलोलम डैम जाने का एक और फायदा है कि आपको सीनिक रोड, मतलब सीनिक व्यूज के साथ आप ये ड्राइव करते हैं, बहुत मस्त लगता है यार, है ना, बहुत अच्छा लग रहा है ना। बहुत अमेजिंग लग रहा है, इतनी अच्छी लश ग्रीनरी और वो कोकोनट ट्रीज, और हर जगह हमें ना मिनी पारा रोड जैसा दिख रहा है यहाँ पे। मिनी पारा रोड आपको तो पता ही होगा, नहीं पता है तो वीडियोस देखिए। और मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था यार कि रोड इतना अच्छा होगा, देखिए मस्त है। मुझे तो लगा था कि इन वादियों में जाएंगे तो रोड वैसे ही जैसे नॉर्मली मिलते हैं ऐसा ही होगा, गड्ढे वड्ढे होंगे, बट बहुत अच्छा मेंटेन किया, हैट्स ऑफ टू गवर्नमेंट यहाँ का, इन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया कि रोड बहुत बढ़िया है यार, और उसके साथ साथ ये जो ग्रीनरी है मजा आ गया, एंजॉय कर रहे हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं। यस, बहुत ज्यादा अच्छा है। सो यहाँ डैम जाना मुझे लग रहा है कि वर्थ रहेगा, इनफैक्ट रेनी सीजन है तो और भी ज्यादा। ज्यादा बोल दिया, रोड पतली हो गई तुरंत। क्या 10 किलोमीटर थोड़ा रास्ता कंजेस्टेड हो गया है। थोड़ा क्या, काफी। एक ही गाड़ी जा पाएगी ऐसा लग रहा है। सो हमें ऐसा लग रहा है कि हम खो चुके हैं रास्ते में, बिकॉज गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग रास्ता उसने बहुत अलग दिखाया, एंड यहाँ पे जो बोर्ड में लिखा था एक लेफ्ट टर्न दिखाया। सो वी टुक अ लेफ्ट टर्न, हमने एक लोकल से पूछा, एंड एक्चुअली वी आर फॉलोइंग दैट लोकल राइट नाउ। हम एक्चुअली वो अंकल को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने बोला आओ आओ मेरे पीछे, बस ऐसा बोल दिया उन्होंने। अभी देखते हैं कहाँ जाता है रास्ता। जब 3 किलोमीटर शो करता है तब एक लेफ्ट दिखाता है, आप उसको फॉलो करना, क्योंकि एज पर गूगल तो बोलता है स्ट्रेट ही जाना है। आप जब लेफ्ट आओगे थोड़ी देर के लिए नेटवर्क आपका चला जाएगा 1-2 किलोमीटर तक, फिर से आपका नेटवर्क आएगा, एंड देन अगेन 3.6 किलोमीटर दिखाएगा और ये बोर्ड भी दिखेगा आपको। होपफुली अभी हम राइट ट्रैक पे हैं, क्यों आकांक्षा? यस। सो एक और बोर्ड मिल गया, तो वी आर ऑन द राइट ट्रैक, अब बस पहुंचने वाले हैं। बहुत लंबा सफर है, 1 घंटा शो कर रहा था लेकिन मुझे लगता है 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया। तो फाइनली आ चुके हैं ऐसे वैसे रास्ते के साथ। अभी जो 60 रुपीज है एडल्ट का एंट्री फीस एंड 30 इज फॉर चिल्ड्रन, सो लेट्स गो एंड सी व्हाट इज इनसाइड। एंड देयर आर सम गवर्नमेंट के रूल्स। हम डैम के पास आ चुके हैं और मॉनसून की वजह से थोड़ा बहुत इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, जैसे कि फोटोग्राफी एकदम डैम के पास हम जाके नहीं कर सकते, बट जैसे कहा गया है ना कि बहुत खूब बनाया इस डैम को, एक्चुअली में बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है ये। एंड यहाँ से पानी इतना तेजी से फ्लो हो गया वो सी शेप में, और नीचे जो जाता है वहाँ पे नीचे छोटा सा गार्डन बना है, वाओ बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। जो मैं देख पा रही हूँ ना अपनी आंखों से, मैं एक्चुअली इतना समझा नहीं पाऊंगी, बट दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी ब्यूटीफुल। कैन यू सी कि अभी देखिए पानी का फ्लो एकदम मेरे मुंह पे आ रहा है, मैं थोड़ा सा भीग गया हूँ,
क्या मस्त है यार, बहुत ही ये मस्त विजिट प्लेस है, यहाँ पे ज़रूर आना, कितना सुंदर है। ज़्यादा मैं रिकॉर्डिंग कर नहीं सकता हूँ, प्रोहिबिटेड है, तो आई एम ट्राइंग टू शो यू विथ सम डिफरेंट एंगल छुपा के। ये अदर साइड ऑफ द ब्रिज है और वहाँ से अभी मैं जो शो करूँगा पानी, एक बार वीडियो ले लिया था फिर मुझे मना कर दिया है, तो अभी मैं वापस नहीं ले रहा हूँ, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा रहता है। तो बहुत ही अच्छा है, ग्रीनरी पूरा पहाड़ दिख रहा है आपको यहाँ पे यार, और डैम का वाह शोर तो आपको सुनाई दे रहा होगा। अदर साइड ऑफ द डैम कितना शोर है यार, क्या मस्त पानी आ रहा है ना, गजब की जगह। मैंने बोला था ना मजा आने वाला है आज। ये हमारी प्यारी सी स्विफ्ट जिससे हम ट्रैवल कर रहे हैं, हमने रेंट किया हुआ है स्विफ्ट को एंड इट कॉस्टिंग अस 1400 पर डे, कुछ ज्यादा ही है स्विफ्ट के लिए। वाओ, ये ना बहुत मुझे अलग सा लग रहा है ये रास्ता। हम अभी काबुदरा में जा रहे हैं, अभी हमारा डैम तो हो चुका है एंड नाउ वी आर इन अ डिफरेंट रोड, तो बहुत सुंदर लग रहा है मुझे, इसको मैंने कहा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। काबोदरा आवा के लिए जो रास्ता है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है, सो लोकेशन से आए थे तब हमें, फिर भी 80% अगर रोड अच्छी थी यहाँ पे, तो अभी तक तो हमें कोई बढ़िया रोड मिल नहीं पाई है और जान हथेली पे रख के चल रहे हैं, क्योंकि एक साइड खाई भी है और ऐसे ऐसे रास्ते भी बहुत ही ज्यादा नैरो है, मतलब जब शार्प टर्न होते हैं तो डर लगता है कि अब सामने से कोई गाड़ी ना आ रही हो, तो हम उसको हॉर्न देते हैं, थोड़ा ब्रेक लगा के बहुत धीरे से निकालते हैं, और एक बार बस भी अचानक से आ गई थी, तो मतलब उसके बाद से तो बहुत ज्यादा थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ मैं, बहुत आराम आराम से जा रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं है, भले ही थोड़ा लेट हो जाए चलेगा, बट सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट एंड माय वाइफ इज हैप्पी विद माय ड्राइविंग टुडे। हाँ टोटली। मजा आ रहा है ना, बाली वाली फीलिंग आ रही है, जैसे हमने बाली में नूसा पैनेडा में हम लोग घूमते थे ना, वैसे ही फीलिंग आ रहा है, वैसे ही पहाड़ वैसे ही रोड, मतलब वो तो है एकदम बाली वाली फीलिंग आ रही है। तो आ गए अब हम काबुदरामा फोर्ट पे, और यहाँ से जो रास्ता है वो पेबल बीच के लिए भी है। If you want to access Kabudarama Beach, तो आपको थोड़ा पहले ही मिल जाएगा जो केव गोवा के पास मिलता है, और यहाँ से जो सनसेट है वो बहुत ब्यूटीफुल दिखता है, इसलिए इसमें शाम के टाइम पे आना प्रिफर करना। तो एंट्रेंस मैंने यहाँ से किया, दैट साइड इफ यू गो वो चर्च के पीछे से, तो वहाँ पे अपना पेबल बीच का रास्ता है, थोड़ा सा मतलब आपको स्टेयर्स वगैरह करने पड़ेंगे, वहाँ से इस साइड जाओगे तो ये अपना फोर्ट मिलेगा। दिस इज अ वेरी ओल्ड फोर्ट एक्चुअली, जो कि बाद में रेनोवेट किया था पोर्चुगल लोगों ने आके, बट देन स्टिल ये सब बहुत पहले की बात है, दैट्स व्हाई द फोर्ट इज नॉट दैट, मतलब बहुत अच्छा कंडीशन में नहीं है। आकांक्षा तो नहीं जा रही है, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि इसकी स्टेयर्स थोड़ी सी मतलब इतना इजी नहीं है, आराम से जाना है, काफी स्लिपरी भी है, तो बहुत संभल के जाना है यहाँ पे, पुराने जमाने के तोप देख रहे हैं, और यहाँ पे लोग मस्त फोटोज वोटोज लेते हैं। चढ़ना तो फिर भी इजी था, उतरना तो और रिस्की है। सो नाउ आई एम हेडिंग बैक, पूरा पेबल बीच नहीं जाऊंगा, वहां का भी रास्ता थोड़ा इतना अच्छा नहीं है, तो आई कांट गो देयर, बट आप यहाँ पे आओ, बहुत अच्छा नज़ारा है और पेबल बीच भी मैंने देखा हुआ है, बहुत अच्छा है। अभी हम जा रहे हैं वापस कैफे, आकांक्षा वेट कर रही है वहीं पे, जल्दी से वापस चलो नहीं तो बहुत मार पड़ने वाली है। बट देन दिस इज वर्थ द वेट, क्या व्यू है, अमेजिंग गाइस, आई विल सजेस्ट यहां पे